गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, दिस इज विनय चौहान, योर इंग्लिश टीचर। एंड प्रीवियस डेज आई हैव कंप्लीटेड द सेकेंड चैप्टर्स एक्सरसाइज, ओके। एंड टुडे वी लर्न दैट हाउ टू कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल विथ एडिंग एस, ईएस, ईएस, ओके। सो टेक आउट पेज नंबर 9, चैप्टर नेम इज नाउन्स वन एंड मैनी एंड एडिंग ईएस सेक्शन। वी एड ईएस टू सम नाउन्स दैट एंड इन ओ, एस एच, एक्स, एस और सी एच टू मेक देम प्लूरल। बेटा ऐसे वर्ड्स जिनकी एंडिंग लेटर ओ हो, एस एच हो, एस हो, सी एच हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो, डबल एस हो, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है एग्जांपल्स। तो ऐसे सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल चेंज करने के लिए हम लास्ट में यस ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बेंच का बेंचेस, हमने बेंच का बेंचेस ये सेट कर दिया। पोटैटो का पोटैटोज, बॉक्स का बॉक्सेस, एंड देयर इज अ बॉक्स, देयर आर टू बॉक्सेस, ओके। सो ड्रेस का ड्रेसेस, स्टेप से हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। कैसे, क्यों चेंज करते हैं? प्लूरल बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? प्लूरल नाउन बनाने के लिए हम एस ई एस का यूज करते हैं, ठीक है। सो ये का फर्स्ट कंडीशन ये रहा। क्या रहा फर्स्ट कंडीशन? कि आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे नेमिंग वर्ड्स जिसके एंडिंग लेटर आपका ओ हो, है ना, तो आपको ये ऐड कर देना है। एस एच हो, ठीक है, एस एच हो, एस एच हो, है ना, तो आपको ये ऐड कर देना है। एस हो, एक्स हो, तो आपको ई एस ऐड कर देना है लास्ट में। सी एच हो, तो आपको ई एस ऐड कर देना है लास्ट में, ठीक है। सो इस टाइप से आपका ये प्लूरल बन जाएगा। ये सो ये आपका होमवर्क है। एंड बी सेक्शन भी आपका वही है, आपको सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट करना है विथ ई एस ऐड करके। सेकेंड रूल है बेटा एडिंग वी ए एस, वी ई एस। तो हम किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में, है ना, इन विच कंडीशन वी यूज वी एस टू मेक प्लूरल, है ना, कि हम किसी कंडीशन में, कैसे कंडीशन में जो है हम लोग वी ई एस को प्लूरल बनाने के यूज करेंगे। तो देखिए, लेट्स सी। वी एड वी ई एस टू सम नाउन्स दैट एंड इन एफ और एफ ई। तो ऐसे नेमिंग वर्ड्स, ऐसे नाउन, ऐसे नेमिंग वर्ड्स जिनके एंडिंग लेटर एफ हो या फिर एफ ई हो, एफ हो या एफ यू, एफ ई हो, तो ऐसे कंडीशन में हम एफ और एफ ई को रिमूव करके वी ई एस एंडिंग लेटर जोड़ देते हैं। देखो यहाँ पर नाइफ, नाइफ का एंडिंग लेटर क्या है? एफ ई है। सो हमने क्या ऐड कर दिया? एफ ई रिमूव करके वी ई एस ऐड कर दिया। सो इसका प्लूरल बन गया वी ई एस, ओके। तो नाइफ का नाइफ्स, लीफ एंडिंग लेटर एफ है तो लीफ का लीव्स, प्लूरल बन गया आपका, ठीक है। सो इस स्टेप से हमें एफ और ई एफ, एफ ई वाले एंडिंग लेटर वाले वर्ड्स को रिमूव करके हमें वी एस ऐड कर देना है प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। सेकेंड, सी सेक्शन, राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ दिस नाउन्स। आपको इस नाउन के प्लूरल फॉर्म आपको लिखने हैं, ठीक है। Thief, wolf, calf, wife, loaf, elf, तो जो है आपको प्लूरल लिखने हैं, ठीक है। सो आपको समझ में आया होगा तो लिखना, नहीं आया होगा तो फिर मुझे पूछ सकते हैं ग्रुप में। एंड देन मूव ऑन करते हैं लास्ट एडिंग आई एस। तो एक और कंडीशन है आपको प्लूरल बनाने के लिए आई ई एस। किस कंडीशन में आप प्लूरल बना सकते हैं? व्हेन ए वर्ड एंड्स इन वाई, वी यूजुअली ड्रॉप द वाई एंड
एड आई ई एस टू मेक इट्स प्लूरल। तो ऐसे नेमिंग वर्ड्स जिसका एंडिंग लेटर वाई हो, ठीक है, एंडिंग लेटर वाई हो, फॉर एग्जांपल बेबी, जिसके एंडिंग लेटर वाई हो, ठीक है, तो उस वाई, इस नेमिंग वर्ड्स का प्लूरल बनाएंगे तो हमें इसका वाई रिमूव करके, हमें इसका वाई रिमूव करके, है ना, वाई रिमूव कर दिया। उसके बाद हमें ऐड करना है क्या, आई ई एस, बेबीज, तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल, फेरी, फेरी, फेरी का एंडिंग लेटर क्या है, वाई, फेरीज, पपी, पपीज, ठीक है। सो आपको ये आई ई एस वाला सेक्शन भी आपको कंप्लीट करना है एज अ होमवर्क, ठीक है। मोर प्लूरल, सम नाउन्स डू नॉट फॉलो एनी रूल। अभी तक हमने, टिल नाउ वी हैव लर्न अबाउट थ्री रूल्स, थ्री और फोर रूल्स, सॉरी, वन टू थ्री फोर रूल्स, फोर रूल्स, यस। टिल नाउ वी हैव लर्न फोर रूल्स अबाउट हाउ टू मेक सिंगुलर टू प्लूरल, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं, मोर प्लूरल्स, सम नाउन्स डू नॉट फॉलो एनी रूल व्हेन चेंजिंग फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। कुछ नेमिंग वर्ड्स, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके कहना चाहिए प्लूरल बनाने के लिए हमें इस रूल्स को फॉलो करने नहीं होते हैं, ठीक है, उसके जो है ऑलरेडी पहले से ही प्लूरल बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैन, मेन, हमने यहाँ पर क्या चेंज किया, वोवल्स चेंज किए, एम और एन के बीच जो वोवल ए है उसकी जगह हमने यहाँ पर ई लगा दिया ताकि ये प्लूरल बन जाए, ठीक है। फुट, फिट, यहाँ पर भी सेम मैंने हमने वही किया, डबल ओ वो जो वोवल्स हैं हमने वहाँ पर भी वोवल्स चेंज कर दिए, इस टाइप से प्लूरल बन गए, ठीक है। नेक्स्ट है ई सेक्शन, मैच द सिंगुलर नाउन्स इन कॉलम ए विद देयर प्लूरल्स इन कॉलम बी बाय ड्राइंग लाइंस, ठीक है। आपको ये मैच करना है कॉलम ए टू कॉलम बी, सिंगुलर टू प्लूरल। सो माउस का क्या हो जाएगा, माइस, देखो चिक, ठीक है, माउस का माइस, बिकॉज ये माउस जो है सिंगुलर है, बट जब एक से ज़्यादा माउस होते हैं तो हम उसको माइस बोलते हैं, माइस, ठीक है। यहाँ पर ये आपका होमवर्क है, इसको ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। इस टाइप से ये आपका होमवर्क है। सेकेंड है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन्स गिवन इन ब्रैकेट्स। देयर आर टू फैक्ट्री, फैक्ट्रीज, मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वन थिंग और वन पर्सन और वन प्लेस का नाम मेंशन हो तो हम, हमारा वो सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है, और जब एक से ज़्यादा हो, मोर देन वन हो, ठीक है, तो हमारा वो प्लूरल नाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा है, टू बोल रहे हैं, टू, तो फैक्ट्री होगा या फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज, यस, फैक्ट्रीज, ठीक है, फैक्ट्रीज, इस टाइप से। ये भी आपके लिए होमवर्क है। द जम्बल्ड वर्ड्स गिवन बिलो आर द प्लूरल, द जम्बल्ड वर्ड्स गिवन बिलो आर द प्लूरल्स ऑफ सम नाउन्स, राइट द वर्ड्स करेक्टली एंड देन राइट देयर सिंगुलर फॉर्म्स, ठीक है। जंबल वर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स जिनको जो है आपको अरेंजमेंट सही अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है, सही अरेंजमेंट नहीं है, एक वो क्या कहना चाहिए, पहेली है, एक मिस्ट्री है, क्या कहना चाहिए जी, बुला रहे, भूल गया मैं, ठीक है। तो इसको आपको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है, प्लूरल, और इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, ये। तो यहाँ पर देखो, ए पी एल एम एस कुछ मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, तो इसको मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए हम इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये रीअरेंज करेंगे तो क्या हुआ, लैम्प्स, लैम्प्स, लैम्प्स का प्लूरल हो गया, और इसका सिंगुलर क्या हो गया, लैम्प, ठीक है। इसी तरह डबल एल ओ डी एस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डॉल्स, मेरे ख्याल से डॉल्स, यहाँ पर डॉल, ठीक है। तो आप बाकी ये भी कर लेंगे, जो नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछेंगे, यू कैन आस्क मी, यू हैव टू आस्क मी।
एस सेक्शन, राइट द प्लूरल्स ऑफ द सिंगुलर नाउन्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आपको ब्रैकेट में दिए गए सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन यूज करना है। राइट द प्लूरल्स ऑफ द सिंगुलर नाउन्स गिवन इन ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स में आपको सिंगुलर नाउन दिया है उसका प्लूरल आपको यूज करना है। ऑल द मेन, एंड यहाँ मैन है, यहाँ का इसके क्या हो जाएगा प्लूरल, मेन। सॉरी कैमरा होल्ड किया है मैंने, इसी वजह से जो राइटिंग सही नहीं बैठ रही, ठीक है, कैमरा मैंने पकड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा वोमेन का वोमेन, ठीक है, ये प्लूरल हो गया। तो इस तरह से आपको ये होमवर्क कंप्लीट करने हैं। ओके, आई होप आज आप की टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपका होमवर्क जो है बिफोर, सॉरी आफ्टर 6 PM आपको सेंड करना है, आफ्टर 6 PM। ओके, बाय, टेक केयर।